ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब जिंदगी भर कुखन करोगे तो बुद्ध की तरह थोड़ी मरोगे। हम भगवान हैं, हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। इतिहास अलाउद्दीन खिलजी, उसका अंत देखो। तो राजशाही का तो नियम है, जब जिंदगी भर कुखन करोगे तो बुद्ध की तरह थोड़ी मरोगे। और राजशाही मतलब कुकर्म, इसीलिए तो सब राजा बन नहीं पाते, क्योंकि स्कूल की जो लाइफ होती है उसमें यही पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तुम पकड़ लिए, और वो कालीन भैया सोचो, एक अपने बेटे को, दोस्त को अपने सामने उड़ा देता बिठा के। कहता है कबूतर आए, खरगोश गोरखपुर गोलीकांड में थे। ललित जी, भैया जी गोरखपुर गोलीकांड में तुम भी थे? जी भैया जी। हाथ में क्या लिए थे? भैया जी गन। चलो सर को प्रणाम करो। और तुम उस सीन को अगर देखो तो सीएम भी अंदर से हिल जाता है, उसकी उंगली ऐसे ऐसे घूम रही है उसके चेयर पे, उसका पीए खड़ा हो जाता, उसको हाथ रो जाता, रो। मुन्ना टेंशन में आ जाता है कि क्या करवा दे रहे हो यार, और कालीन एकदम शांति से बैठा हुआ है। बाहर निकलता है तो पूछता है कि क्या सीखे मुन्ना। सोचो, सीएम से उसका भाई को रिप्लेस करवा देता, भाई को। बाहर निकलता, जेपी यादव बैठे हुए हैं, देखता ही नहीं उनकी तरफ। इसको बोलते हैं गेम। कहता गोरखपुर कांड में हमारे बेटे की बलि मांग रहे थे, अपने बेटे की कोई बलि देता है? गुड्डू पंडित का तो कभी आईएएस ना निकले। हम इस टाइप के आदमी हैं लाला, अरे कि हम कब क्या करेंगे हमको पता ही नहीं। इनका परी ना निकले जिंदगी भर, गोलू पंडित इनका ना निकले, मुन्ना तो एसएससी ना निकाल पाए। मुन्ना का जो हाल है, हम भगवान हैं, हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। अबे पागल हो, दद्दा त्यागी है आईएएस निकालने वाला स्टफ, लेकिन दद्दा त्यागी जो है वो हाइट से मार खा जाएंगे। अब सोचो मुन्ना को तुम किसी से मिलने का, उसके बाप की बुराई उसके लौटे के सामने कर रहे हो, क्या भाई ये दद्दा है? तुमको बोलने की तमीज नहीं, तुमको समय की परख नहीं है। We'll be right back.